ज़िले के लिए हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे, उसमें हम इसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से इस समय विधानसभा के परिणाम आए हैं चुनाव के, तो हमारा थोड़ा सा कांग्रेस परिवार स्तब्ध भी है, तो उस स्तब्धता से निकलने के लिए ये एक सदस्यता अभियान एक जरिया हो सकता है। और मैं आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष से लेकर के हमारे जो लोग यहाँ पर देहरादून में विधायक हम और बाकी लोग थे, वो सब लोग आए और बहुत संजीदगी से हम इस अभियान को आगे बढ़ाए। अच्छा भाई साहब, एक दूसरी बात ये है, अरेस्ट 74 का जो मामला है जिस पर जाँच चल रही है, सरकार ने जहाँ CBI को दे दी, CBI टेकअप ही नहीं कर रही है, आपको नहीं लगता है? और ये भी बात आ रही है BJP का कोई बड़ा नेता है जो नहीं चाहता कि इसकी जांच हो जाए, और अगर जांच होगी तो वो भी फंस जाएगा क्योंकि हाल में वो कांग्रेस से भाजपा में गया है। गुजरात में भी ठीक ऐसी स्थिति हुई थी, और उस समय जिनके खिलाफ भी भाजपा के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ जब CBI की जाँच हुई, और इस समय आप देख रहे होंगे वो सब छूट नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं थी, ये जानकारी नहीं थी कि जो उनके अगल बगल में बैठे हुए हैं वो सब लोग जो हैं इस घोटाले में शामिल हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उस घोटाले को वो ठंडे बस्ते में डालने जा रहे हैं और हम इसको कदापि सहन नहीं करेंगे। अच्छा, खाद्यान्न मामले में हरीश रावत जी धरना देने जा रहे हैं कल, क्या संगठन साथ में रहेगा? और दूसरी बात यह कि संगठन का इस मसले पर क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से APL के खाद्यान्न को सीधा डबल किया है, क्या इसको लेकर आपका भी कोई मंतव्य है? नहीं, ये तो जो है गरीब के पेट पर चोट नहीं बल्कि लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैंने पहले कहा कि 6 महीने तक हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सरकार को ये कहने का मौका मिले कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे भी जानकारी मिली है कि वो सांकेतिक रूप से धरने पर बैठने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे क्योंकि ये जनता के हित की बात है। समर्थन करेंगे, साथ में बैठेंगे सर? अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने सबको कहा है कि उसमें जो है वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम। अध्यक्ष जी, आपने नवप्रभात के सुरक्षा की मांग की सरकार से, क्या तो खड़े मंत्रालय उनके ऊपर क्या बात होगी, धमकिया है उनके ऊपर क्या बात होगी? जिस तरह के चरित्र के लोग दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए हैं वो बहुत ही क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के लोग, और पहले भी EVM के बारे में जिन लोगों ने उस पर काम किया और ये साबित कर दिया कि हाँ EVM में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, हैक कर सकते हो, उसको एल्टर कर सकते हो, उसमें जो है अपने मन मुताबिक जो है वो परिणाम ला सकते हो, उसमें से एक तो 2 साल से जेल में, सबसे पहले ये सवाल भाजपा ने उठाए थे, एक व्यक्ति ने जो काम किया पता चला कि उसका जो है मर्डर हो गया। तो इसलिए मुझे जो है वो बड़ी चिंता है नवप्रभात जी के बारे में कि उन्होंने इस पर बहुत बुनियादी काम किया है, और तब वो कोर्ट में गए और कोर्ट में इसमें जो है वो नोटिसेस भी जो है वो इशूज हो गए हैं। अब मेरी दूसरी चिंता ये है कि पता चल रहा है कि वहाँ जो राणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जो है विकास नगर की जो EVMs है वही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मुझे चिंता ये है कि मुझे नवप्रभात जी की जान माल की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मैंने राज्य सरकार को उस चिंता से अवगत करा दिया है। मैंने जो पुलिस महानिदेशक हैं उनसे बातचीत की है, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से जल्दी इस बारे में संज्ञान लेकर के उनके पूरा इंतजाम करेंगे सुरक्षा के, और अगर कहीं तरह की कोई घटना होगी तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।